बारिश इतनी ज़्यादा, सारी रात से बारिश हो रही है भाई, और काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पूरा मौसम सब की करा छड़े है, कल रात दी बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश रात दी। मैं तो डर गई थी रात, क्योंकि मैं डरा ही गई थी, क्योंकि टीवी चल रहा थी, पार्क चल रहा थी। हाँ मैंने बिजली इतनी, छोटे होंदे कहानियां सुनियां ने ना टीवी पे, ना कि गिर जब तो सोचो बंद कर कं... नहीं दिखा कंजन, प्रेजेंट हो गया कंजन भी नहीं सो पाई, बहुत गर्मी थी। हाँ मीह पैंदा रहा, आवाज़ ही आउंदी रही है जे। अज शुक्र करो अज की डेट दे बेबी शावर डिसाइड करे सी 18, 19, 20। हाँ। तैनू कहा सी इस टाइम तो बहुत मीह पैण वाला, कि ना वो फुल झड़ गए थे अंब दे, है ना, बहे गए उपर अजे भी खासे। हाँ। बट बहुत ज़्यादा झड़ भी गए, जरूरी भी सीगा मीह, है ना, बहुत गर्मी आ गई सी, हूँ ही आया सी 2 मिनट ही हो, मैं फिर उठने भी टाइम लगता। हाँ। आधा नारियल लेके जा रही क्या पता इसमें 2 कप निकले। थिंक पॉजिटिव, थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड। कल ही एक दिन ही होया है। हाँ। बेदी साहब ने सवेरे कुछ होर ही मांग लेता है ना। हाँ, 2 कप भर गया, देखो एक नारियल लंबा पूरा करता लंबा, सरस्वती बैठी सवेरे सवेरे। हाँ नहीं पर इन्ना भी नहीं दी फिर भी मतलब 2 ग्लास, ठीक है, एक ग्लास देखना कितना बड़ा का। हाँ। जी है जी, 2 ग्लास लेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ। जी आज का ब्रेकफास्ट है अपना पोहा, ऊपर से बस नींबू और ये प्याज कुछ ज्यादा ही डाल दिए प्याज तो। बारिश तो बेदी साहब नहीं हो रही है बाहर, लेकिन बेचारे किसानों की जिनकी पक्की फसल थी उनको कितनी डैमेज हुई होगी। अगले महीने तो बढ़नी सी, शुरू करनी सी, है ना। कंचन अभी केला खा रही थी और मैं बातें कर रही थी साथ साथ। केला खाने के बाद कंचन की जीभ कट गई। हम एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें से कंचन कुछ खाएंगी जो खाती है अपनी डेली लाइफ में, रिएक्शन उसका रिएक्शन भी हम दिखाएंगे। यार पता नहीं क्या हो रहा है यार, बार बार क्या तुमको खाया नहीं जा रहा है क्या, दांत लग गया, दांत बड़ा है ना मेरा, साइड का देखो देखो। मैंने तुमको बोला था, अरे यार जीभ नहीं होती कंचन, मैंने बोला था तुमको अपने ना आरी फिरवा लो दांतों पे। हाँ मैंने इसको बहुत, मैंने इसको शुरू से बोला हुआ है, मैं कहा थोड़ा आरी फिरवा ले नीचे से रेत वाले, वो थोड़ा होता है वो सोनी, वो होता है ना कंचन, है ना, वो करवाने को बोला था मैंने, इसको बोलता मैंने तार भी लगवा ले, तो तुम क्या करवाने लगे थे, तार वो पीछे के दांत निकाल देते, तार डालते हैं ना जब दांतों में, तब शायद। अब मैं खाते खाते बात नहीं करूंगी, मेरे से बात मत करना दोनों, ठीक है ना मेरे भाई, हम बात नहीं करते, हम तो वैसे भी नहीं बात कर रहे थे, हम तो अपनी बात कर रहे थे कुछ, तुम उठ के आई क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या चल रहा है, अभी तो फिर बोले हमने बात करी नहीं ना, बस नहीं करनी बात, खाने के बाद खाते खाते बात नहीं करते। मैं कौन हो सकता है कंचन, ब्रो गेट बेसन पकौड़े, ब्रेड पकौड़े बना रहे, मैं क्या खाऊंगा, तो खा लिया ना अपना खाना, तुम रोटी नहीं खा रहे, सीधा वही खा रहे हो तुम, हैं सिर्फ वही खा रहे हो, रोटी खाएंगे ना हम शाम को। अच्छा कौन से पकौड़े बना रहे हो, ब्रेड पकौड़े, आलू प्याज वगैरह नहीं, या चल मिक्स सही है भाई तुम्हारा, और क्या लेना, और लेके आना अपना ये बेसन, और क्या बोला था मैंने, एग्स, ब्रेड, एग्स, ब्रेड, ब्रेड कौन से, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड के पकौड़े खाने हैं या वाइट ब्रेड के, क्या वो तो काट ही देने साइड से, ब्राउन ब्रेड ही है, हाँ अच्छे बनते हैं, ओके, और ये ले आना आलू प्याज ले आना, सुनो यहीं पे रहना चेयर पे बैठ जाना, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस। okay. क्या करते हो पांडे जी, ये सामान कृपया करके सामान उठा लीजिए, ये ट्रे उठा लो, बाकी तो मैं उठा लेता हूँ। वाह 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 कंचन, एक चीज दिखी मैंने,
आइसक्रीम खाधी वो पैक करके रख दी, जूस खादा वो पैक करके, वो तेरी एक दो तीन वो अगे बहन ने भी वहीं पे जूस है। और बाद में पता क्या बोलते हैं, गाड़ी क्यों नहीं साफ रखते, कचरा क्यों डाल के रखते हो, वो करना था भूल गए, निकालना था, निकाल लो लगे हाथ, कोई नहीं आके निकाल देना। ये तुम्हारे चक्करों में ना मैं बदनाम हो जाता हूँ हर जगह, ठीक है ना, हर जगह तुम दोनों की होती है गाड़ी में। क्या बीवी के साथ रहते हो, पता भी तो लगना चाहिए ना गाड़ी को भी। ओहो, पर बाकी लोगों को तो ये पता चलना चाहिए ना कि तुम करते हो ये सब। आदत से मजबूर हूँ। बेटी साहब मानो आलू प्याज ले आना, चल आलू तो है नहीं लेके आया, प्याज होंगे नहीं, प्याज तो है, मैं थोड़ी गया आलू प्याज लेने। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने देखा जस्ट गाड़ी में आइसक्रीम खाई, तुम दोनों की हरकतें हैं, आइसक्रीम खाई साइड में डाल दिया, खाई थी तूने फीस्ट, ये तो और गंदा काम किया आपने, सड़क पे कैसे फेंक दिया आपने, यहाँ पर और बच गए, ठीक है, जूस पिया नीचे साइड में घुसो दिया उसको, नहीं जब वापस घर पे आके निकालो, क्योंकि मैं बदनाम होता हूँ ना कि गाड़ी मैं गंदी करके रखता हूँ, है इसके पीछे देखा दो डब्बे आइसक्रीम के एक जूस के फंसा फंसा के रखे हुए हैं, तो गड्डी में भी तो गड्डी से ही तो बाहर निकाला करो ना भाई, मेरा चलाने का काम है साफ करने का, तुम गंद पाओ मैं साफ करूं, मैं जहाँ बैठता हूँ मेरा एरिया पूरा साफ है, जहाँ तुम बैठते हो तुम अपना एरिया साफ रखा करो, पहली बार तो नहीं भूली, कॉफी पिला दो, तुम्हारे तो ब्रेड पकौड़े हो गए, अब ये क्या इतने ब्रेड पकौड़े रखे हुए कि सोच रहे हो खाएं ना खाएं, खाएं तो फिर उसमें ढक के रख देते, बहू जाते हैं दीदी, बहुत अच्छे बने, तुमको पता नहीं है, खाता यार, आलू भी कम है, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है, और ये साथ में बड़े बनाए हैं जो मैंने बनाया था, कॉफी पिला दो यार, एक बाइट लिया कॉफी के साथ, नहीं खाता सोनी, एक बार नो मींस नो, मैंने बोला था ना आपको, मैंने कहा वो तो यही कहेगा आपको, पीछे पड़ गए ये दोनों सस्ते नशे करके हुन सोन लग गया पकौड़ियां दे तेल दे, नहीं नहीं हम ना एक्चुअली ना स्क्रॉल कर रहे थे इंटरनेट, ऐसी शॉर्ट्स देख रहे, तो आपकी एक न्यूज आ गई शॉर्ट्स में, ठीक है हम वो आपको दिखाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं वो चीज कितनी सच है। दोस्तों क्या आप जानते हैं दृष्टि ग्रेवाल ने जोड़ी मूवी में मेन एक्टर के तौर पर काम करने के लिए कितनी फीस ली, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इन्हें तकरीबन 8 लाख के करीब फीस दी गई। दोस्तों क्या आप जानते हैं 8 लाख रुपए कितने कितने 8 लाख दस ही थी कितने कोई ने बोला करोड़ों की बातें करेंगे 8 लाख की निपटा था कितने कोई ने किधर है जल्दी बता दो इज दिस ट्रू और फॉल्स नहीं जो इसने बजट बोला थोड़ा सा कम बोल दिया घर पे तो नहीं कैसे खाएंगे हाथ के आप स्विगी जोमेटो पे हो हाथ के पकौड़े का हाँ, मैं कर लूंगी, जिसको नींद की तकलीफ है जिसको रातों में नींद नहीं आती जिसको जिसकी नींद पूरी नहीं होती और टूट भी नहीं जाती है प्लीज कॉन्टेक्ट मी आई विल मेक यू मेक है नहीं आई विल मेक यू बंड बंड आई विल मेक यू ईट माय क्या आलू आलू फिलिंग का हमको किस किस चीज से नशे हो जाते थे वहाँ पे आलू पूरी हम भटूरे पर तुमने देखा जो हम पंजाब में रायकोट में खाते हैं नान वाले उसमें नहीं होते अभी तो रायकोट के हम एक और चीज तूने देखो नान खिलाए आलू नान रायकोट के देखो वो खिलाएंगे इतनी फेमस चीज़ नहीं खाई यार वो खिलाएंगे शादी के बाद खिलाया क्या सिस्टर के साथ सही नहीं किया तुमने सिस्टर ने बचपन में मेरे साथ नहीं किया कुछ बेटी मैं तेनू कदे पूछे नहीं एक चीज है जब जब कंचन को तूने पहली बार देखा था जब मैंने मिलवाया था तेरा रिएक्शन क्या था
मेरा रिएक्शन ये था, अब तक जितनी भी लड़कियों से मैं मिली थी उससे सबसे बेस्ट लड़की थी ये। ओह माय गॉड थैंक्स। इसकी कितनी एक्स रही है दी? एक ही थी जिससे मिली थी। कितना से मिल चुके वैसे आप? एक ही थी शायद। एक ही थी? दो 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 से कुछ याद कर। कितनों से दी? दो ही सी दो ही थी। नहीं याद नहीं आ रहा, उसको याद है बताओ, याद करो। या तूने मुझे बताया नहीं? नहीं उसको याद है कि आप ज्यादा से मिले हो। नहीं 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 दो ही से मिली हूं मैं। दो ही? हां दो ही थी। वैसे आपको पता होगा इसकी कितनी एक्स। नहीं मुझे तो दो ही पता ही थी। बाकी तब भूत प्रेत करके भज गई थी ना। हैं भूत प्रेत करके छोड़ा था उसने? मुझे लगा वैसे ही छोड़ गया। छोड़ी वो छोड़ने गई थी। उसके सारे फ्रेंड सर्कल आए थे, गुजराती थे ना सारे घर पे, तो उनको बर्तनों के चाय उबलने की आवाज आ रही थी है ना उस रात को जिस दिन आए थे वो थे। बस हो गया, तो नहीं कुछ पूछना। और कौन थी? दो ही बस यही थे। मेरी का सारी पोल खोलनी है, तुम तो ऐसे बैठ के सारे पोल के यही तो थी। तो नहीं नहीं डर तो लगता ही ना तेरे ना, तेरे तो फिल्टर भी नहीं लग गया है कोई। नहीं यही थी तो और नहीं कोई। और बस और कुछ तुझे का लगता और थी कोई? नहीं वैसे मुझे लगा वही। चलो मैं सेम इंटरव्यू ना तुम्हारी बहनों के साथ और मम्मी के साथ लूंगा जब मैं जाऊंगा उधर। मम्मी को क्या पता यार? ले मम्मी को सब पता होता है, जो किसी को नहीं पता था वो मम्मियों को पता होता है। हाँ मम्मी के साथ पॉडकास्ट। तो जी हो चुका है हमारी वॉक का टाइम। टाइम कितना यार इसमें घड़ी में सेल डालने वाले, कितने दिन हो गए डालेंगे? टाइम कितना हुआ है? 10:15 हो गए। एक्चुअली कल तो हुई थी बारिश, सुबह भी हुई थी तो पता नहीं पानी वगैरह ना सड़क पे। बेदी साहब कहते पानी जमा है, पर साइड 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 में हो और वैसे तो मौसम ठंडा ही आज। देखते हैं अभी बाहर चल के आज उन्हें ठंडा कितना है ना, ठंडा है आज पूरा, बट अच्छा लग रहा था, सुहाना सा हो गया। तो पूरी घास गीली पड़ी है अभी यहाँ, तो हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। बेदी साहब तुम भी शॉल लेके आए हो? अच्छा हैं, ठंड है ना थोड़ी थोड़ी, हल्की हल्की ठंड है। हाँ क्या क्वेश्चन पूछता है? डू यू हैव एनी इश्यू? ऑब्वियसली बारिश हुई तो प्लेजेंट तो हो गई। क्या बातें करते हो आप? हैं बेदी साहब, बेदी साहब जीरकपुर में जहाँ जिस फ्लोर पे हमारा फ्लैट है ना, एक सेकेंड अंधेरे में चले गए तुम। क्या हो गया? हाँ यार पूरी रोड में ऐसे क्यों अंधेरा क्यों भाई? नहीं बेटी साहब मैं क्या कह रहा हूँ, जिस फ्लोर पे हमारा घर है ना जीरकपुर में, वहाँ गर्मी भी बहुत दबा के होती है और वहाँ हवा भी बहुत दबा के लगती है। काटा है ये तो, ऊपर देखो ना ये तो पेड़ काटा हुआ है सारा। चलो भाई लाइट नहीं है, वॉक करते हैं थोड़ी देर। ये कैसी बारिश हुई है ये देखो, ये सीधा इस रोड पे पूरा पानी भरा हुआ, इधर बारिश हुई पूरी गीली है वहाँ से एंड टू एंड तक। ये देखो ये सूखी है, इधर ये रोड सारी सूखी हुई है, उधर भी थोड़ी थोड़ी सूखी हुई है, ये इतनी गीली है। बदल में लगता सड़कों सड़क ही निकले। ओह माय गॉड वॉक करते करते क्या हो गया? बेदी ने सवेरे उठ के कहना की खाना, ये बोलेगी गोभी पई है, चलो गोभी के परौंठे खाने है ना। हां भी कर देती है गोभी। नहीं नहीं मैंने खा लिया यार, बहुत हो गया यार, हो गए बस इतने दिन काफी है। हैं मैं बोर हो जाती हूं यार। हैं पोहा ही खा लेंगे, दो दिन हो गए मैंने बनाया था पोहा, खाता है मैं कल पोहा ले आना। लेकिन कल दूसरा पोहा नहीं, बट तुम खा लो ना जब तक हो। नहीं यार तुमको फिर परौंठे परौंठे भी मेरे साथ तो रह के मिलते नहीं है। मम्मी के नहीं होते यार, क्योंकि ना जितने मर्जी खा लो परौंठे ना पेट नहीं भरता। नहीं नहीं ठीक है अच्छे है, ज्यादा भर जाता है पेट, कुछ ज्यादा ही भर जाता है। मम्मी क्या है, तीन खा लो तब भी पेट नहीं भरता मेरा, यहाँ तो मेरा दो पेट भर जाता है। जबकि पराठे एक ऐसी चीज है जो मैं ज्यादा खा सकती हूँ, जैसे पराठे खाए नहीं जाते।